कोविड-19 संक्रमण की चिंता पूरे विश्व में, लेकिन जिसके घर में, जिसके परिवार में ये कोविड-19 का हमला हुआ है, उनका प्रेशर क्या होता है, ये कल जया जी ने बताया और ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ जया जी, कि मेरी माँ जिनकी उम्र 80 साल की है, वो भी कोरोना संक्रमित और 15 दिन से वो अस्पताल में ICU में है। मेरा जो भाई है छोटा, जो विधायक है महाराष्ट्र विधानसभा का, वो भी कोरोना संक्रमित है, वो भी ICU में है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कल वहाँ से हमारे साथी वहाँ बैठकर हमारे निंदा कर रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन हम लोग जो लोक प्रतिनिधि है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमको लोगों में जाना पड़ता है। विनय सहस्रबुद्धे साहब हमारे मित्र नहीं है, अगर आप उनका भाषण कर सुने तो उनका पूरा भाषण, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेल है, सिर्फ निंदा की, खिंचाई की। जहां जहां पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करते हैं, बाकी सब सरकारें ठीक कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए, ये कैसे हो गया? क्या भाभी जी के पापड़, भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं, पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से, और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है, ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। देश के नेता है, इतना बड़ा संकट है तो लड़ाई प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लड़नी चाहिए, और हमने पूरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फॉलो किया हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे बड़े शहरों में नहीं, तो जिला स्तर पर जंबो कोविड सेंटर बनाए और लोगों की सेवा में लगे। सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र और विश्व देश को हमारे यहाँ धारावी की थी। धारावी जो सबसे बड़ा एशिया का जो झुकी झोपड़ी का जो एक इलाका है, कि वहां क्या होगा, वहां अगर कोरोना वायरस घुस गया तो क्या होगा, और वहां जब कोरोना संक्रमण हुआ तो पूरा देश चिंता में आ गया था। लेकिन आज धारावी का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए हमारी पीठ थपथपाई है, BMC की, WHO ने। तो मैं देखिए, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन जो काम करते हैं उसकी देखिए। अगर मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे ही मैं मानता हूं कि चेतन चौहान साहब, देश के सबसे बड़े क्रिकेटर की मौत हो गई, उस बारे में मैं विधान परिषद वहां के एक नेता का भाषण सुन रहा था, वहां की जो अव्यवस्था है उनकी वजह से चेतन चौहान का मृत्यु हो गया, इस प्रकार का आरोप वहां लगाया है विधायक ने। तो लेकिन ये आरोप लगाने का वक्त नहीं है। दूसरी बात है कि कल एक वहां से आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में 5,000 हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई, डॉक्टर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई। एक समझना चाहिए, हमारी सरकार आकर 6 या 7 महीने, 5 साल से तो उसके पहले किसकी सरकार थी, हमारे ही देवेंद्र जी की सरकार थी। तो पिछले वाले 5 साल में ये 5,000 डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट अगर आप करते तो आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता। तो ये बात भी समझनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आपने और हमने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आपने हिसाब किताब की बात की है, मुझे मालूम है कि अभी केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पूरा मेडिकल इक्विपमेंट की मदद करना बंद कर दी है, उसमें PPE किट, मास्क, वेंटिलेटर, उसके वजह से महाराष्ट्र सरकार को 350 करोड़ का ज्यादा अब बोझ आने वाला है। तो PM केयर फंड जो आपने बनाया है, उसमें 1,000 करोड़ रुपए CSR फंड से जमा किए हैं, वो किसके लिए है? वो भी सभी राज्यों के लिए है, वो आपको देना पड़ेगा।
दूसरी बात है हमारा जीएसटी का बकाया जो है वो तो दीजिए, उसे हम आगे का काम चला देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप राज्य सरकार अपना कोविड की लड़ाई अपने आप लड़े, तो आपके पास जो हमारा बकाया पड़ा है वो आप दीजिए। सभी राज्यों की बात मैं करता हूँ,